असल दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर ट्रांसफार्म एग्जाम्पल फाइव दैटफॉर्म ऑफ एफ एफ इक्वल टू वन ओवर टू एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एंड एफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे एफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वह बन जाती है वन आवर टू एफान जब x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू एफ हो या लेस देन एफसालान हो और जब x की वैल्यू बढ़ जाती है इनक्रीज हो जाती है एफसालान से तो एफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाती है तो यहाँ पे हमने फोरियर ट्रांसफार्म को फाइंड आउट करना है तो दोस्तों हमें पता है इक्वेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफार्म इज इक्वल टू एफ एफ के इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रोट टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेकिन यहाँ पर मैं पुट करता हूँ माइनस एफ सालन टू प्लस एफ साल एफ ऑफ एक्स ए टी दावर आ एक्स इंटू डी एक्स तो यहाँ पर मैंने एफसाइलान की वैल्यू जो है वो पुट करनी है वन ओवर टू एफ सालान तो दिस विल बिकम इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट टू पाई एंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एप्साला टू प्लस एप्साला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो वन ओवर टू एफ्साइलान है एंड ई टू दावर आयोटा के एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है अब दोस्तों मैंने इसको इंटीग्रेट करना है चूंकि वन ओवर टू एफ सालान जो है ये ये कांस्टेंट है तो मैंने ई टू द पावर आयोटा के एक्स को इंटीग्रेट करना है तो दिस विल बी कम इक्वल टू वन ओवर अंडर रोट टू पाई दिस विल बी इक्वल टू वन ओवर टू एफ सालान जो पहले से मौजूद है, और e टू दावर आई के एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e टू दावर आयोटा के एक्स डिवाइडेड बाई आयोटा के एंड लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस एप्सलान टू प्लस एपसलान है अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिमिट्स पुट करने हैं तो जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो वी विल गेट वन ओवर अंडर रोड टू पाई इंटो वन आवर टू एप्सलान इंटो ई टू द पावर आयोटा के एप्सलान माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा के एप्सलान डिवाइडेड बाई आयोटा हो जाएगा अब क्या करना है हमने कि ये टू जो है ये दिस टो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ से कट जाएगा तो इसके बाद जो है दिस टर्म इज़ इक्वल टू साइन के एफस एल के बराबर है तो लिहाजा इसको मैं यू लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ के इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रोट टू पाई साइन के एफसेल नान डिवाइडेड बाई के एफसेल नान दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे के भी है तो लिहाजा मैं यहाँ पे के लिखता हूँ वन ओवर एफ सल के तो यहाँ पे भी के आ जाएगा तो दिस इज़ दल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन वेन के इज़ नाट इक्वल टू ज़ीरो इफ़ के इज़ इक्वल टू ज़ीरोन दोरे ट्रांसफार्म विल बिकम इक्वल टू f ऑफ k इज़ इक्वल टू वन ओवर अंडर रोड टू पाई फ्रॉम माइनस एफसलान टू प्लस एफसलन और एफ ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ वन ओवर टू एफस नान और ई टू दावर आटा के की जगह ज़ीरो तो लिहाजा ये होल्डरम जो है दिस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो तो यू बन जाएगा और हमें पता है कि ई टू पावर जीरो जो है ये वन के बराबर है तो लिहाजा वी विल गेट वन ओवर अंडर रोट टू पाई और ये वन ओवर टू एफ सल जो है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ सल नान और ये हो जाएगा माइनस एफ सल से प्लस एफ सल और यहाँ पे डी हो जाएगा अब इसको मैं मैंने इंटीग्रेट करना है तो आफ्टर इंटीग्रेशन दिस विल बिकम इक्वल टू वन ओवर अंडर रोट टू पाई इंटो वन ओवर टू एफ्सा और दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स और लिमिट्स जो है फ्रॉम माइनस एप्स से प्लस एप्स तक है तो दिस विल बिकम इक्वल टू वन ओवर अंडर रोट टू पाई वन ओवर टू एफ्सल नान तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस प्लस एफ्सा नान माइनस माइनस एफ्सा तो ये हो जाएगा अब मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ कि एफ आफ के इज़ इक्वल टू वन ओवर अंडर रोट टू पाई इंटू वन ओवर टू एप्सा नान और ये जो है दिस विल बिकम इक्वल टू टू एक तो दिस विल बिकम इक्वल टू टू एफ तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली वी विल गेट एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू वन और अंडर रोट टू पाई सो दिस इज़ दैल्यू ऑफ एफ ऑफ के वेन के इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है तो दिस इज़ दल्यूशन ऑफ़ गिवन फंक्शन थैंक यू